मलेरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 24 घंटे में 15 नए मरीज मिले हैं और गांव में कुल मरीजों की संख्या 65 हो गई है। मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है। स्वास्थ्य विभाग ने गांव में कैंप लगाया है। कवर्धा में तो है ही डायरिया, लेकिन दुर्ग में भी डायरिया का कहर देखने को मिल रहा है। 4 नए मरीज मिल चुके हैं। डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़कर 51 हो गई है। दुर्ग जिले के बोड़े गांव में डायरिया फैल रहा है। घर घर जाकर लोगों का सर्वे भी किया जा रहा है और ये पता लगाया जा रहा है कि आखिर कहां पर जो है पानी में समस्या हो रही है, जिसकी वजह से लगातार मरीज अब सामने आ रहे हैं। कवर्धा के साथ साथ दुर्ग का भी यही हाल है। दुर्ग में भी डायरिया के मरीज और अब ये संख्या 51 हो गई है, यानी कवर्धा से लेकर दुर्ग तक डायरिया का प्रकोप। खबर बलौदा बाजार से है, जहां गिरौतपुरी धाम की अमर गुफा में अज्ञात लोगों ने जैतखाम काटकर फेंक जाने के बाद सतनामी समाज में आक्रोश है। सतनामी समाज के लोगों ने आज चक्का जाम करने की कोशिश की है और इस दौरान मौके पर प्रशासन और पुलिस के अधिकारी पहुंचे हैं। लोगों को समझाकर शांत करने की कोशिश की गई। सतनामी समाज के लोगों ने कलेक्टर और SP को ज्ञापन देकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। जैत खाम का निर्माण किया गया था। 3 जैत खाम को अज्ञात व्यक्ति, शरारती तत्व के व्यक्ति द्वारा उसको आरी में प्लानिंग से काटा गया है और मंदिर में जो वो था लोहा का गेट था उसको उखाड़ के फेंक दिया गया। सुबह ही हमें जानकारी मिल गई थी, रात को कुछ असामाजिक तत्वों ने ऐसा कृत्य किया है, ये जानकारी मिली। और जानकारी मिलते ही पुलिस विभाग को निर्देश देकर के FIR करा दिया गया है गिरोध में, गिरोध थाना में। उसमें सर्चिंग की कार्रवाई चल रही है, डॉग स्क्वाड भी भेजे गए हैं। जैसे ही अपराधी उसमें मिलेंगे, कड़ी कार्रवाई उसमें जो भी प्रावधान है वो कड़ी। और इधर गिरौतपुरी धाम को लेकर कांग्रेस ने BJP पर निशाना साधा है। पूर्व मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा है कि भाजपा सरकार ने गिरौतपुरी के साथ हमेशा खिलवाड़ किया। उन्होंने जैत खाम काटने वाले आरोपियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने मामले की जांच के लिए जांच समिति के गठन का ऐलान किया है। सामाजिक तत्वों के द्वारा वहां पे जो गुफा है जहां पर जैत खाम हुआ करता था, आरी से उसको ना काटा गया है। आप सबके माध्यम से मैं इस भाजपा सरकार से मांग करता हूं कि अति शीघ्र उन दोषियों को पकड़ा जाए और उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही साथ यहां से मैं भी सीधा गिरौतपुरी ही जाने वाला हूं, वहां पर 11 लोगों की एक समिति, जांच समिति का ना मेरे द्वारा ना गठन किया जाएगा, जिनके द्वारा जांच की रिपोर्ट आने के बाद क्या कदम उठाएगा उसके निर्णय हम लोग लेंगे। तो MP कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष पर छत्तीसगढ़ में सियासत गर्मा गई है। BJP ने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया कार्टून और कार्टून में कांग्रेस पर तंज कसा है। नक्सली एनकाउंटर पर सवाल उठाने पर उन्होंने तंज कसा है। कार्टून के जरिए BJP ने भूपेश बघेल पर हमला बोला है। तो ये कार्टून आप देख रहे हैं जो कि शेयर किया गया है BJP की तरफ से। कांग्रेस ऑफिस में वास्तु दोष का जिक्र किया गया इसमें, जिसके बाद से सियासत गर्मा गई है।
बीजेपी ने ये अपने ट्विटर हैंडल से शेयर किया है और एक्स पर पोस्ट कर कांग्रेस पर निशाना साधा। तो एमपी कांग्रेस कार्यालय में वास्तु दोष वाले बीजेपी के पोस्टर पर कांग्रेस संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने पलटवार किया। सुशील ने कहा है कि बीजेपी का पोस्टर स्तरहीन है, बीजेपी मति भ्रम का शिकार हो चुकी है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी चुनाव में पूरी तरह से पराजित होने वाली है, ऐसी स्थिति में बौखलाना स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि नक्सली मुठभेड़ पर कांग्रेस ने सवाल नहीं उठाए, वहां की जनता ही सवाल उठा रही है। भारतीय जनता पार्टी का पोस्टर स्तरहीन है। भारतीय जनता पार्टी छत्तीसगढ़ में मति भ्रम की शिकार हो गई है। चार चरण में देश में चुनाव हो चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार की विदाई सुनिश्चित हो गई है। छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी बहुत बुरी तरीके से पराजित होने वाली है। हो सकता है कि 11 सीटों में उसका खाता भी न खुले। तो ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का बौखलाना स्वाभाविक है और इस बौखलाहट में स्तरहीन बयानबाजी कर रहे हैं। अरे नक्सलियों नक्सली बता के आप ग्रामीणों को मार रहे हैं और ग्रामीण उसमें सवाल खड़ा कर रहे हैं, तो विपक्ष होने के नाते उस बात की जांच करना हमारा दायित्व है। तो वही कांग्रेस को जनता ने नकार दिया है। चुनाव में कांग्रेस की बुरी तरह शिकस्त होने वाली है, ये दावा किया है छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम अरुण साह ने। उन्होंने कहा कि हार के बाद भी कांग्रेस नेता ऐसा कहते हैं तो ये मस्तिष्क दोष की दिशा में संकेत करता है। जब से कांग्रेस पार्टी को जनता ने अपदस्थ किया है छत्तीसगढ़ की शासन से, कांग्रेस के नेता अनावश्यक बयानबाजी कर रहे हैं, चाहे वो नक्सलवाद के मामले को लेकर हो, अन्य विषय पर हो, पर छत्तीसगढ़ की जनता ने उन्हें नकारा है। इस बात को वो स्वीकार करें और लोकसभा चुनाव में भी करारी शिकस्त कांग्रेस पार्टी को छत्तीसगढ़ में मिलने वाली है। 11 की 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। उसके बाद भी यदि सबक नहीं लेते कांग्रेस के नेता तो उनको मुबारक। देखिए जिस प्रकार की बयानबाजी वो कर रहे हैं और जैसी राजनीति कांग्रेस की हो रही है, ये इसी दिशा में संकेत। तो सुकमा में नक्सलियों से मुठभेड़ का मामला सामने आया है। मुठभेड़ में एक नक्सली ढेर हो चुका है। डीआरजी जवानों और नक्सलियों में मुठभेड़ हुई थी। टेटराई तोलनाई के जंगल में ये मुठभेड़ हुई थी। नक्सलियों से मुठभेड़ इलाके में लगातार जारी है, जवानों का सर्च भी जारी है। एसपी किरण चौहान ने मुठभेड़ की पुष्टि की है। कवर्धा में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने सरेंडर किए नक्सली दिवाकर और उसकी पत्नी लक्ष्मी से बात की। खास बात तो यह है कि दिवाकर 14 लाख का इनामी नक्सली रहा है। हाल ही में उसने छत्तीसगढ़ ओपन से 10वीं की परीक्षा दी है और वो पास भी हो गया। डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने उनसे बात की है। दिवाकर ने बताया कि वो आगे चलकर पुलिस विभाग या फिर शिक्षा विभाग में काम करना चाहता है। मेरी बहन को भी नमस्ते। अरे वाह भाई वाह, क्या हुआ रिजल्ट यार? रात में भी खाना खा के कम से कम 10 बजे पढ़ते थे और दिन में भी सुबह नाश्ता करके कम से कम 10-11 बजे तक पढ़ते थे। उसके बाद फिर 2 बजे से फिर पढ़ते थे 4 बजे तक। मेरी बहन ने भी परीक्षा दिलाई क्या? जी सर। अच्छा क्या क्या रहा बहन? तो नक्सलियों से दोस्ती बीजेपी कर रही है, हमने तो अपने नेता खोए हैं, ये कहना है कांग्रेस के संचार प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला का। नक्सलियों से कांग्रेस की दोस्ती के आरोप पर शुक्ला ने कहा कि बीजेपी सरकार ने नक्सलियों को संरक्षण दिया, इसलिए झीरम कांड हुआ। उन्होंने दावा किया है कि कांग्रेस की सरकार में नक्सल घटनाओं में 80% की कमी आई थी।
और अब खबर दुर्ग से है, जहां पानी की किल्लत झेल रहे लोगों का गुस्सा फूटा है। लोगों ने खाली बाल्टियां लेकर प्रदर्शन कर दिया है। भिलाई के ग्रीन वैली का मामला है ये। काफी समय से कॉलोनी में पानी की किल्लत हो रही है। कॉलोनी में टैंकरों को भी अंदर घुसने से रोका जा रहा है। अस्थायी रूप से समस्या का हल चाहते हैं कॉलोनी वासी। उनका ऐसा कहना है कि टैंकर उनको नहीं चाहिए, बल्कि उनको हम परमानेंट सॉल्यूशन चाहिए। पानी के लिए वो परेशान होते हैं आए दिन, जिसको लेकर प्रदर्शन किया गया। बस्तर में मौसम का मिजाज बदल चुका है। तेज गर्मी से लोगों को राहत मिली है। गरज चमक के साथ बारिश हुई है और पूरे बस्तर अंचल में अच्छी बारिश हुई है। तापमान में गिरावट भी देखने को मिल रही है। तो इस बार नौतपा ज्यादा नहीं तपेगा। मौसम विभाग की तरफ से अनुमान के मुताबिक इस बार गर्मी का मौसम बगैर लू के ही गुजर सकता है। नौतपा के एक सप्ताह पहले राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के कई हिस्सों में बारिश की स्थिति बन रही है। इस दौरान पारा ज्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है। मौसम विभाग के मुताबिक इस बार प्रदेश में बारिश सामान्य से 6% ज्यादा होगी। और चलिए अब एक नजर